हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में जो ड्रामा है कन्यादान, जिसको लिखा है विजय तेंदुलकर ने, तो उसके कुछ लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले मैं एक और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कन्यादान के ऊपर, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं MCQ एक जिनका पेपर होता है उनके लिए, और जिनका सब्जेक्टिव होता है उनके लिए भी वो वीडियो हेल्पफुल है, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है और प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, कन्यादान ड्रामा से आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और उसके आंसर को भी आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द प्ले कन्यादान। देखिए, थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, जो इसका संघर्ष है कास्ट का इस ड्रामा के अंदर, इस प्ले के अंदर, वो डिस्क्राइब करो, पूरा डिस्कस करो। तो थीम के बारे में पूछेगा इस तरह से, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, तो आपको किस तरह अपना आंसर लिखना है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा द थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बाद आपको लिखना है। देखिए, वैसे तो मैं आपको इसका थीम एनालिसिस करके पूरा इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ, पूरा ड्रामा आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो ये आंसर देखिए, एवरी सोसाइटी इज़ डिटरमाइंडेड बाई कास्ट क्लास एंड जेंडर। देखिए, हर समाज निर्धारित होता है जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर। कार्ल मार्क्स डिवाइडेड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस। देखिए, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक दशा के आधार पर समाज को इकोनॉमिकल स्टेटस, यानी कि समाज को आर्थिक स्थिति के आधार पर कार्ल मार्क्स ने समाज को विभाजित किया है। बट इन द इंडिया सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। लेकिन भारतीय समाज में समाज को विभाजित किया जाता है किसके आधार पर? वर्ण के आधार पर। और आप तो पढ़ चुके हैं वर्ण के बारे में, वर्ण व्यवस्था, चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से शूद्र जो होते हैं सबसे निम्न होते हैं, यानी लोअर होते हैं, दलित होते हैं। तो देखिए, यही कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को, समाज को इकोनॉमिकल स्टेटस के आधार पर विभाजित किया है, लेकिन हमारे भारतीय समाज में समाज को बांटा जाता है वर्ण के आधार पर, अपर एंड लोअर, दैट इज़ दलित क्लास, यानी कि एक अपर क्लास होते हैं और दूसरा दलित होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण आते हैं, देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सारे अपर हैं, बाकी जो लोअर है वो कौन है? शूद्र है। इन द प्ले कन्यादान, और इस प्ले कन्यादान में नाथ दिवालिकर इज़ एन MLA एंड हिज वाइफ सेवा इज़ ए सोशल वर्कर। और इस प्ले कन्यादान में जो नाथ दिवालिकर हैं ये MLA हैं, एंड इनकी वाइफ का नाम है सेवा, वो एक सोशल वर्कर है, समाज सेविका है। नाथ इज़ एन आइडियलिस्ट मैन, और जो मिस्टर नाथ है वो आइडियलिस्ट मैन है, यानी आदर्शवादी व्यक्ति हैं। इनका ये मानना है कि समाज में ये जो ऊंच नीच की भावना है, उच्च जाति निम्न जाति के आपस में जो मतभेद हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, हर कोई एक बराबर है, मतलब ये कुछ इस तरह का मानते हैं, क्योंकि ये आइडलिस्ट मैन हैं। ही वॉन्ट्स टू अपलिफ्ट द दलित क्लास एंड वॉन्ट्स टू अप्रूव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और देखिए, ये क्या चाहते हैं कि समाज से दलितों की स्थिति को ऊंचा उठाया जाए और जो कास्ट सिस्टम है भारतीय समाज में उसको समाप्त कर दिया जाए। और इन सारी चीज़ों को मैं जब ड्रामा पढ़ा रही थी तो अच्छे से आपको बता चुकी हूँ, तो इसलिए ड्रामा पढ़ लीजिएगा, ड्रामा पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आंसर आसानी से एग्ज़ाम में आप लिख लेंगे। हिज डॉटर ज्योति फॉल्स इन लव विद अरुण अथावले हु इज़ ए दलित। देखिए, मिस्टर नाथ की बेटी है जो बीए कर रही है, जिसका नाम है ज्योति, वो एक अरुण नाम के लड़का से प्यार करने लगती है, अरुण अथावले नाम है लड़का का, और वो एक दलित वर्ग का लड़का है, दलित जाति का लड़का है, जबकि मिस्टर नाथ जो है ब्राह्मण है,
तो ज्योति एक ब्राह्मण लड़की है जबकि एक दलित लड़के से प्यार करने लगती है और उससे शादी करना चाहती है। तो मिस्टर नाथ तो आइडियलिस्ट है यानी आदर्शवादी व्यक्ति हैं, तो वो अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, जबकि ज्योति की जो माँ सेवा है और ज्योति का जो भाई जयप्रकाश है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिस्टर नाथ क्या है, अपनी बेटी का पूरा साथ देते हैं और ज्योति की शादी अरुण से करवा देते हैं। इट इज़ प्रूव्ड एज मिस मैच मैरिज इन द एंड्स एज अरुण अब्यूजेज एंड बीट्स ज्योति। लेकिन एंड में, प्ले के एंड में हम क्या देखते हैं, क्या सिद्ध होता है? ये शादी जो हुई है एक ब्राह्मण लड़की ज्योति की एक दलित बॉय अरुण के साथ, ये शादी मिसमैच शादी, मतलब मिलती शादी नहीं है इनकी, जोड़ी सही बनती नहीं है इनकी। क्या सिद्ध होता है कि इंटरकास्ट मैरिज कोई सॉल्यूशन नहीं है, यही सिद्ध होता है एंड में। और जो अरुण नाम का लड़का है वो शादी करने के बाद ज्योति को गाली भी देता है, मारता भी है। इट इज़ टेकन एज ए रिवेंजफुल एक्ट। और वो ज्योति को मारता पीटता गाली क्यों देता है, एक रिवेंज के आधार पर, मतलब वो बदला ले रहा है कि हमेशा से दलित को लोग शोषण करते आए हैं, ब्राह्मणों के द्वारा दलित को दबाया गया है, तो आज वो शादी करके एक ब्राह्मण लड़की को पीट रहा है, यानी कि वो उसके मन में बदले की भावना है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, एक अपर क्लास वुमेन की वुमेन से शादी करके उसको मारता पीटता है। तो देखिए यही पूरी थीम है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स यही दिखाया गया है कन्यादान ड्रामा के अंदर। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूरा इस तरह से लिखना है और थीम पूछे आपसे पूरा इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आप एंड में लिख दीजिएगा एक हेडिंग डालकर कॉन्क्लूजन, या फिर आप ऐसे पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं एट द एंड, अंत में नाथ इज आइडियलिस्ट इज टर्नड इनटू रियलिस्ट। और जो मिस्टर नाथ थे जो आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी व्यक्ति थे वो अपने आप को बदल लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं खुद को रियलिस्ट मैन में, यानी कि कास्ट सिस्टम कोई सॉल्यूशन नहीं है समाज से जाति पाति को मिटाने के लिए। ही सेज एट द एंड, और मिस्टर नाथ प्ले के एंड में ये भी कहते हैं दैट द एंट्रेंस ऑफ सच दलित, यानी कि एंट्रेंस यानी कि प्रवेश ऑफ सच दलित, जिस जो है लड़का अरुण जो वो दलित ही तो है, तो अरुण के प्रवेश ने उनके घर को क्या कर दिया है, पूरी तरह से पॉल्यूटेड यानी गंदा कर दिया है। देखिए वो क्या कहते हैं, एंट्रेंस ऑफ सच दलित हैज़ पॉल्यूटेड हीज होम, यानी मिस्टर नाथ एंड में यही कहते हैं कि एक दलित लड़का जो मेरे घर में प्रवेश करता है तब से मेरा घर पूरा का पूरा गंदा हो गया, मेरे घर का हर कोना, फर्नीचर, हर एक चीज़, यहाँ तक कि ज़िंदगी भी मेरी पूरी गंदी और ख़राब हो गई है। तो बस आपको कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बारे में यही लिखना है। आइए अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द समरी ऑफ कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर। देखिए समरी आपसे पेपर में ज़रूर पूछेगा कन्यादान की, तो इसकी समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके आंसर को बहुत ध्यान से देखिएगा। समरी बहुत सिंपल है, आपने पूरा ड्रामा तो पढ़ ही रखा है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो बस वही आपको पूरा ड्रामा एक्सप्लेन कर देना है स्टार्ट से एंड तक, यानी आपको बहुत लॉन्ग में नहीं लिखना है, जिस तरह का आपका क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से आपको अपना आंसर लिख देना है। आप हेडिंग डालिएगा समरी ऑफ कन्यादान, फिर लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले वाले पैराग्राफ में आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि कैसा ये ड्रामा है, तो आप इसको हेडिंग में भी पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे पहली हेडिंग डाल दीजिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रामा या इंट्रोडक्शन ऑफ कन्यादान, उसके बाद लिखिए कन्यादान डील्स विद द थीम ऑफ मैरिज। कन्यादान जो ड्रामा है वो दिखाता है थीम को, मैरिज की, शादी की थीम को ये डील करता है। द प्रॉब्लम एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मैरिज, यानी कि शादी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं शादी के बाद की, एक इंटरकास्ट मैरिज में आने वाली जो परेशानियाँ दिखाई गई हैं इस प्ले के अंदर। द प्ले कन्यादान रिवॉल्व्स राउंड द मैरिज ऑफ ज्योति, और ये जो प्ले कन्यादान है पूरे तरह से घूमता है ज्योति नाम की एक लड़की के शादी पर, क्योंकि ज्योति की शादी एक इंटरकास्ट मैरिज, मतलब कि एक इंटरकास्ट मैरिज ज्योति की तो ही होती है, एक दलित लड़का से होती है, जबकि ज्योति एक ब्राह्मण लड़की है, तो पूरा ड्रामा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो आप इस तरह से इंट्रोडक्शन आप इसको लिख सकते हैं, उसके बाद आप सेकेंड हेडिंग यहाँ से डालकर लिख सकते हैं अबाउट द ड्रामा, तो यहाँ से आप दूसरी हेडिंग भी डालकर लिख सकते हैं कि अबाउट द ड्रामा, तो इस तरह से हेडिंग पर भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैम क्या हम इसको हेडिंग पर लिख सकते हैं, तो हेडिंग पर किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, तो बस आप इसी तरह से लिख दीजिएगा।
नाथ देवालालिकार इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले कन्यादान। देखिए कहीं कहीं नाथ को देता है कि ये प्रोटागोनिस्ट है इस प्ले के, और कहीं कहीं पर ज्योति को देता है, तो आप ज्योति को भी लिख सकते हैं, ठीक है। He is an idealist man, और जो नाथ देवालालिकार हैं वो idealist man हैं, जिनके बारे में आपको बता चुकी हूँ। A true supporter of Gandhian philosophy, और गांधी जी के दर्शन के ये समर्थक हैं, सच्चे समर्थक हैं। He is an MLA, ये MLA हैं, and wants to uproot the social evil from Indian society, और ये क्या चाहते हैं, भारतीय समाज से जो बुरी, भारतीय समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको समाप्त करना चाहते हैं, और दलितों की स्थिति को समाज में उठाना चाहते हैं। हीज वाइफ सेवा इज आल्सो एन एक्टिव सोशल वर्कर, इनकी जो वाइफ है वो एक सक्रिय समाज सेविका है, उनकी वाइफ का नाम सेवा है। देखिए यहाँ पर ए रहेगा, SEVA। He has a daughter Jyoti and a son Jayaprakash। इनके पास, इनकी एक बेटी है, बेटी का नाम ज्योति है और बेटा का नाम है जयप्रकाश। देखिए समरी में आपको बस इसी तरह से लिखना होगा, बहुत सिंपल है। फिर आप देखिए पैरा चेंज करके लिखिएगा, ज्योति wants to marry अरुण अथावले, ज्योति शादी करना चाहती है अरुण अथावले से, who is young दलित बॉय, जो एक यंग दलित लड़का है। He is a poet and writer, वो एक poet है और writer भी है, और जो अरुण है वो अपनी autobiography भी लिखता है। ज्योति's mother सेवा and brother does not like अरुण, ज्योति की माँ जो सेवा है और इसके जो brother जयप्रकाश है वो अरुण को पसंद नहीं करते हैं। But Nath support his daughter choice, लेकिन मिस्टर नाथ अपनी बेटी की पसंद को सपोर्ट करते हैं, एंड से, और अपनी बेटी से कहते हैं, आई स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे साथ, तू गो अहेड माई चाइल्ड, आगे बढ़ो मेरी बच्ची। लेट अस सी वॉट हैपेंस, और आगे बढ़ो मेरी बच्ची और देखते हैं क्या होता है, ये कहकर वो अपनी बेटी की शादी एक दलित लड़का से करवा देते हैं। आफ्टर मैरिज ज्योति इज नॉट हैप्पी, लेकिन शादी के बाद ज्योति खुश नहीं रहती है, खुश भी कैसे रहेगी बताइए। अरुण अब्यूजेज एंड बीट्स हर, क्योंकि अरुण उसका जो हस्बैंड है उसको गाली देता है, उसको मारता भी है। इट इज़ प्रूव्ड मिसमैच मैरिज, ये एक शादी मिसमैच शादी मतलब प्रूव होती है, सिद्ध होती है, यानी इनकी जोड़ी अब सही नहीं है, वो ब्राह्मण लड़की, ये दलित लड़का। It is taken as a revengeful act by Dalit for upper class woman, और वो बदले की भावना से अपनी बीवी को पीटता है, मारता है। Nath is not happy in the end of play, और मिस्टर नाथ जो है वो भी प्ले के एंड में खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी, मतलब ये एक आइडियलिस्ट होने के कारण अपनी बेटी को एक गलत हाथों में सौंप देते हैं, एक दलित लड़के के हाथों में अपनी बेटी को सौंप देते हैं, जिसका इन्हें बहुत पछतावा होता है, और ये बहुत रोते भी हैं प्ले के एंड में। Because he followed wrong philosophy, क्योंकि वो गलत दर्शन को फॉलो कर रहे थे। वो क्या फॉलो कर रहे थे कि समाज में अगर जाति पाति को मिटाना है तो इंटर कास्ट मैरिज करनी चाहिए, और अपनी बेटी की शादी करते हैं, फिर अपनी बेटी की ज़िंदगी को किस तरह ये नर्क बनते देखते हैं, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। इंटर कास्ट मैरिज इज़ नॉट ए सॉल्यूशन टू रिमूव कास्टसिज्म, और जो इंटर कास्ट मैरिज है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है समाज से जातिवाद को, जातिपात को मिटाने का। ही ट्रांसफर हिमसेल्फ फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म, और वो खुद को एक आदर्शवादी से, यानी आइडियलिज्म से रियलिज्म में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, खुद को बदल लेते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत पछतावा होता है। तो देखिए समरी बस पूछेगा आपको इतना ही लिखना है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। इसी तरह के आगे आपकी वीडियोस आती रहेंगी, और आपके बीए फोर सेमेस्टर के अदर जो भी सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पर चल रही है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।